जय हिंद वंदे मातरम। बैंक की ओर से वैकेंसी निकाली गई है IBPS, IBPS आपको पता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, और 4405 करीब यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। जो बैंक में जॉब रहने वाली है, यानी कि कौन कौन से बैंकों की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टोटल 11 बैंक हैं जिनकी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसीज फिलहाल 4405 के करीब है और ये वैकेंसीज हमेशा बढ़ती है। 1/7/2023 यानी 21 जुलाई 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा अगस्त और सितंबर 2023 में होने की संभावना है। जो मेन एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2023 में होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि पास होने के बाद जो फर्स्ट बैच डिक्लेयर किया जाएगा जॉब के लिए, अप्रैल 2023 में आपको जॉब, यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगी डिसेबल एक्सेस मैन के अलावा, जो नॉर्मल एक्सेस मैन है, और डिपेंडेंट के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, कहीं से भी आप हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 साल है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। एक्सेस मैन और डिसेबल एक्सेस मैन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपने आपकी एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस की है उसको माइनस करने पर 3 साल और माइनस करना होगा, ये जनरल के लिए है। और 8 साल की छूट डिसेबल एक्सेस मैन बिलोंगिंग टू SC/ST उनको यहाँ पर छूट दी जा रही है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50 साल है। बाकी यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है ऑनलाइन के माध्यम से, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी कैटेगरी किस टाइप की आपकी, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर बताया गया है। एक्सेस मैन भी इसके अप्लाई कर सकते हैं, डिसेबल एक्सेस मैन भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिपेंडेंट ऑफ एक्सेस मैन किल्ड इन एक्शन वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं वो यहाँ पर आप जरूर पढ़ लें। उसके अलावा EWS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री रखा गया है, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से किया हो वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर ये बात रखी है कि जिन्होंने 15 साल सर्विस की है, जो 10th पास हैं, उनको आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन के बेस पे आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि 10th पास, यानी 10th पास जो पूर्व सैनिक हैं वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन फीस यहाँ पे बताई गई है 175 पूर्व सैनिकों के लिए भी है, बाकियों के लिए 850 रुपये आपको देखने को मिलेगा। प्री एग्ज़ाम जो होगा जिसमें कि 3 सेक्शन को यहाँ पर लिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर 30 नंबर 30 क्वेश्चन 20 मिनट का टाइम मिलेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से लेकर 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 मार्क के, और 60 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिलेगा। जो इसका मेन एग्जाम होने वाला है उसमें भी जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से लेकर 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम। उसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड से लेकर 50 क्वेश्चन 50 नंबर 45 मिनट का टाइम। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मिनट 200 मार्क के होंगे, और 160 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलेगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं वैकेंसी यहाँ पर क्या क्या है, उसकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ST, SC, OBC, EWS, जनरल, टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। उसके अलावा यहाँ पर एक्सेसमैन का कॉलम है, और डिसेबल एक्सेसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन के लिए इन एक्शन, इनके लिए भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आंध्र प्रदेश में कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ 8 वैकेंसीज हैं। डिसेबल एक्सेसमैन और जो डिपेंडेंट है उनके लिए भी यहाँ पर 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज है, और हर वैकेंसी मिलेगी आपको हर बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, नेशनल पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको हर स्टेट हर बैंक की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आसाम में यहाँ पर वैकेंसीज है, जिसमें कि यहाँ पर चेक कर रहे होंगे आप लोग, देख सकते हैं
आसाम स्टेट की वैकेंसीज है, 8 वैकेंसीज पूर्वी सैनिकों के लिए है और 4 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन और डिपेंडेंट के लिए है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, अलग अलग वैकेंसी 11 वैकेंसी की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। टोटल वैकेंसी 20 पूर्व सैनिकों के लिए है और 11 वैकेंसी डिपेंडेंट और जो डिसेबल एक्सेसमैन है उनके लिए आपको देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ में टोटल वैकेंसी 1 वैकेंसी है मार्ग पूर्व सैनिकों के लिए, कम वैकेंसीज है। छत्तीसगढ़ में 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, 3 वैकेंसीज डिसेबल और डिपेंडेंट के लिए है। दादर एंड नगर हवेली की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली में वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए, टोटल 24 वैकेंसीज है, 9 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी जो कि डिपेंडेंट है और डिसेबल एक्सेस में। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 250 वैकेंसीज आपको दिल्ली में। गोवा में भी आपको पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है। गुजरात में पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी 24 और टोटल वैकेंसीज 24 नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए और 10 वैकेंसी डिपेंडेंट और डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए 17 वैकेंसीज है और 8 वैकेंसीज डिसेबल और डिपेंडेंट के लिए। हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर तो 8 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी पूर्व सैनिकों के लिए, 3 वैकेंसी डिसेबल और डिपेंडेंट के लिए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी कम वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। झारखंड में भी 4 और 3 वैकेंसीज है। उसी तरह से कर्नाटका में आपको 23 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए और 10 वैकेंसी डिपेंडेंट और डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। केरला में वैकेंसीज की बात करें 6 और 2 वैकेंसीज है। लद्दाख में भी यहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं है और उसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी आपको 39 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है और 17 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट और उनके डिपेंडेंट के लिए। महाराष्ट्र में 52 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है और 23 वैकेंसी डिपेंडेंट और डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। मेघालय में भी कोई वैकेंसीज नहीं है। मिजोरम में कोई वैकेंसीज नहीं दी गई है। कुछ स्टेट में वैकेंसी बिल्कुल नहीं है। नागालैंड में वैकेंसीज है, पांडिचेरी में भी आपको कोई वैकेंसी नहीं। पंजाब में काफ़ी वैकेंसी है, 31 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए जबकि 13 वैकेंसी आपको डिपेंडेंट और डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए देखने को मिलेगी दोस्तों। राजस्थान में भी काफ़ी वैकेंसीज है, 17 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए, 7 वैकेंसीज डिपेंडेंट और डिसेबल एक्सेसमेंट के। सिक्किम में भी कुछ वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। तमिलनाडु में 28 वैकेंसीज पूर्व सैनिक और 12 वैकेंसीज डिसेबल और डिपेंडेंट के लिए देखने को मिलेगी दोस्तों। तेलंगाना में भी कुछ वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अलावा त्रिपुरा में भी कुछ वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश में 74 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए हैं जबकि 33 वैकेंसीज डिपेंडेंट और डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए हैं। वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, 23 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, 10 वैकेंसीज है डिपेंडेंट और डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। तो ये वैकेंसीज जो है IBPS की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर किस तरह से आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आपको अपनी जो फ़ोटो हो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है और क्या इनका प्रोसेस रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग। वित्तीय जानकारी जो कि IBPS के तहत 4000 से ज़्यादा वैकेंसी, 4405 के करीब वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया से वैकेंसीज है और ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हैं। वित्तीय जानकारी आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जय हिंद।